नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं MBBS डायरेक्ट। और अभी मैं हूँ बस्ती स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो सिटी है वो कुफा है। कुफा में ये लेंटा, इस लेंटर मतलब होता है जैसे अपने इंडिया में जो बिग बाज़ार EGD वगैरह होता है, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। सेम वैसे आपका लेंटा है, तो लेंटा में क्या चीज़ मिलती है आपको मैं वो दिखा देता हूँ। देखो, आपको इजली वेजिटेबल्स में आपको ये फूल गोभी है वो आपको मिल जाता है। ये आप जैसे मशरूम है आपका, ये भी मिल जाता है आपको इजली है। और मशरूम हो गया आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर प्याज की काफ़ी वैरायटी है। ये आपको वाइट आपका प्याज है, आप देख सकते हैं। ये आपका है लहसुन, देखिए। ये है आपका गाजर, और ये आपका प्याज है। ये भी आपका रेड प्याज है, इसमें इस इंडियन आपका है। ये आपका आलू है, ये भी आपका प्याज है। और ये आपका बंद गोभी है, आपका आलू है, ये भी आपका आलू है। ये आपका गाजर है। तो आपने देखा कि अगर आप इंडिया से दूर हैं, अगर आपको वेजिटेबल्स, अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए यहाँ चीज़ हर चीज़ मिलती है। देखो, टमाटर भी देखते हैं, आपका टमाटर भी आपको इजली अवेलेबल हो जाता है। ये आपका खीरा यहाँ पे आपको है। और ये एक्चुअली मैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं है ना, काफ़ी वैरायटी यहाँ पर है संतरे की, आप देख सकते हैं। ये भी संतरा ही रखा हुआ है। और ये है आपका टमाटर, काफ़ी बड़ा है, इंडिया से काफ़ी बड़ा है, लेकिन कितना अच्छा है। और ये भी टमाटर है। और ये आपका है मिर्च है, रेड चिली है, आप देख सकते हैं। ये आपका बंद गोभी है, और ये आपका बंद गोभी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल, अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको मिलती नहीं है। आप किसी भी शहर में जाएंगे, आप रशिया में, आपको इजीली हर चीज़ मिल जाती है। बस होता क्या कि जो स्पाइस वगैरह यहाँ पर लोग कम खाते हैं, तो आप वहाँ से अपने इंडिया से कैरी कर सकते हैं। आप देखते हैं संतरे का काफ़ी से वैरायटी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये आपका अनानास है, आपको देख, तो ये आपने देखा कि वेजिटेबल्स का फ्रूट्स भी आपको इजली अवेलेबल हो जाते हैं। अब सेम रेट आपका लगभग सेम है, और जैसे कि अगर दिल्ली में देखते हैं, बॉम्बे में देखते हैं, जयपुर देखते हैं, कोलकाता देखते हैं, चंडीगढ़ देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, लखनऊ देखते हैं, पटना देखते हैं, तो जो वहाँ पर अगर 10 रुपये कोई चीज़ खरीदते हैं अगर आप, तो यहाँ आपको 11 होगा, 12 होगा, इतना बस फ़र्क होता है। इसके अलावा कोई खास भी फ़र्क होता नहीं है। तो ये आपने देखा वेजिटेबल सेक्शन देखा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस बिस्किट वगैरह, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर बिस्किट पर कुकीज़ वगैरह आपको मिल जाती है, इसलिए तो कॉर्नफ्लेक्स मिल जाता आपको है आपको। और अगर आपको पसंद करते हैं मैक्रोनी वगैरह खाना पसंद करते हैं, दाल वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो आपको ये मिल जाता है। देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर चने भी आपको इजली मिल जाते हैं, ये मैक्रोनी वगैरह देख रहे हैं, ये भी आपको इजली यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ये पूरा पास्ता और मैक्रोनी का सेक्शन है, देखो ये। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल हो ही जाती है। तो जो वेज खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उफा में हैं। उफा शहर जो लेंटा है, यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है, इसलिए अवेलेबल हो जाती है। अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, तो आपको इजली मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको हर चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप इंडिया से बाहर हैं, तो आपको चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, आप देख सकते हैं। आपको हर चीज़ आपको इजली अवेलेबल हो जाती है। और मैं तेज बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना।
मैं इसलिए आप लोग ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं दिखाना चाहता था कि जो पेरेंट्स के डाउट होते हैं वो डाउट एक्चुअली बना रहे हैं हम। और ये सेक्शन जो है आपका बटर का है, मिल्क का है, कर्ड का है, और अगर आप एग वगैरह पसंद करते तो आपको इसलिए यहाँ पर एग वगैरह मिल जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। ये हैं स्टूडेंट हैं मोहित और रोहित यादव, शॉपिंग कर रहे हैं। चीज़ें ये आपको मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर, अगर शॉपिंग करने आती है तो मैंने देखा आपको खाने के लिए, जैसे कि आपका सब्जी वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, कुकीज़ वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, कर्ड वगैरह हो गया, या ब्रेड भी आपको इजीली मिल जाता है, रिफाइंड कर लें रिफाइंड भी, सरसों का ऑयल भी आपको इजीली मिल जाता है। और बाकी मैं कल आपको दिखाऊँगा गारमेंट्स और ये चीज़ें हैं जो परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपका आप किचन में जो आपके बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग हैं, कढ़ाई यूज़ करते हैं, स्पून यूज़ करते हैं, है ना, तो उसका रेट क्या है और कैसे होता है उसका कल आपको बताएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MBBS। थैंक यू सो मच।